छत्तीसगढ़ के बालोद में युवा बुजुर्ग नशे की गिरफ्त में इस कदर फंसे हैं कि छुड़ाना आसान नहीं है। कुछ समाज से भी संगठन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को इस दलदल से निकाला जाए। डॉक्टर मोना टुबानी ने बताया है कि आजकल देश के नौजवानों की रुचि नशे की तरफ तेजी से बढ़ रही है और तंबाकू का सेवन बढ़ गया है। मुंह के कैंसर में 90% लोग तंबाकू का सेवन करने वाले हैं। अब तंबाकू का सेवन की तरफ कम उम्र के युवा भी बढ़ रहे हैं। अभी बहुत देखा जा रहा है कि लोग पान, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, गुड़ाखू, ये इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। इससे होता ये है कि धीरे धीरे लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है गुटखा सुपारी का ज़्यादा सेवन करने से, और इसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में अंदर ओरल कैविटी में मुँह के अंदर ओरल म्यूकोसा, जो मुंह की अंदरी परत अंदर की परत है, वो सख्त हो जाती है। मैं अभी डेंटल क्लिनिक में हूँ। मुंह का मेरा माउथ ओपनिंग का प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। मैं पहले पान मसाला गुटखा चबाता था, धीरे धीरे करके मुझे प्रॉब्लम होने लगी माउथ में। ठीक से खाना नहीं खाना पाता था, मुँह बंद हो गया था, खोलने में प्रॉब्लम हो रहा था।